क्या सोच रही हो? सोच रही थी हम उन्हें जरूरत से ज्यादा सता रहे हैं। इसी सताने से तो बात बनेगी, कहीं बात बनते बनते बिगड़ न जाए। मामा पे भरोसा रखो। अच्छा मैं जाती हूँ। आज मैं आपका सर तोड़ दूंगा। सर तोड़ दोगे तो जेल जाओगे, इस बेइज्जती की जिंदगी से तो जेल जाना बेहतर है। विनोद बैठे बिठाए अपना घर मत तबाह करो। अगर तुम दिल से अपनी गलती मानते हो, अगर आप दिल से तुम आशा को चाहते हो तो उसका मन जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं है। विनोद, औरत का दिल बड़ा कोमल होता है, जरा सी सख्त बात से उलट सकता है और जरा सी नर्म बात से फूल की तरह खिल जाता है। तुम उससे प्यार से बात करो, मीठी बात करो, वो जरूर तुम्हारी बात मान जाएगी, समझे? बात सुनो, मगर आज मैं बहुत थक गई। बहुत थक गई? लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। बहुत दुख दिया, शादी की रात मैंने तुम्हारे सारे सपने चकनाचूर कर दिए, मुझे माफ कर दो। लोग तो दुश्मन को भी माफ कर देते, मैं तो तुम्हारा पति हूं, क्या मुझे माफ ना करोगे? हाथ पकड़ा, ये तुम्हारा वहम है, इधर कोई चोर नहीं। मामा मामा आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस कमरे में डर लगता है। इस कमरे में डर लगता है? तो ऐसा करो तुम नीचे जाकर इंदु के कमरे में सो जाओ। जा। अच्छे तो हो मेरे लाल, ये चेहरा क्यों क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम्हारी बहन की सगाई तय हुई है, इसे आशीर्वाद दो। अरे बहू कहाँ है? जीती रहो बेटी, जीती रहो, सदा सुहागन रहो बेटी। अरे इंदु चल बहू को वो तोहफे तो दिखा दे जो तेरे ससुराल वालों ने भेजे हैं इसके लिए। आप अभी आओ, आजा। मुनीम जी किराए का क्या हिसाब किताब है? दफ्तर में चल के देख लीजिए मालिक। आइए। अरे तुम ऐसा मुंह बनाए क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? बहू बड़े पैसे वाले हैं, ये बड़ी तो कोठी है उनकी, और लड़का लड़का तो बिल्कुल मेरे विनोद जैसे स्वभाव का है। ये बनारसी साड़ी तुम्हारे लिए, ये साड़ी और ये ब्लाउज पीस भी तुम्हारे लिए है, ये अंगूठी। क्या हुआ? अरे हाय क्या हुआ भाभी? या ओ भैया, अरे भैया, ओ विनोद विनोद, अरे कोई है, जल्दी आ। क्या हुआ बहन, क्या बात? विनोद कहाँ है? बहू को लेडी डॉक्टर के पास ले जाए, इसकी तबीयत कुछ खराब मालूम होती है, अभी भी शिकायत हुई है। विनोद तो अभी बाहर गया, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। चलो बेटी। कुछ नहीं है जी, खाली पेट है, मैं दवाई लिखी देती हूँ, दिन में 3 बार पिलाइएगा। क्या हुआ भैया, लेडी डॉक्टर ने क्या कहा? अजी सुनते हो, मेरी बहू के बेटा होने वाला है, मेरी बहू के बेटा होने वाला है। ए इंदु, अरे रामू, अरे दुनिया कहाँ चले गए सबके सब? अरे जाके मोहल्ले में खबर कर दो, आज मेरे घर गाना होगा। क्या आपने क्या कह दिया, इतना बड़ा झूठ? जिस झूठ से सच की जीत होती हो उसे कह देने में क्या हर्ज है? ओ, ओ, देखती जाओ होता क्या है। ए दुनिया
थी मैं मिली। देख तू हलवाई के पास जा और उसे कह दे 20 रुपए की मिठाई यहाँ भेज दे। अच्छा तू कहाँ जा रहा है? पूरियां कौन डालेगा? बहू तू यहाँ खड़ी क्या कर रही? ऐसे में ज्यादा हाथ पांव चलाना अच्छा नहीं होता, तुझे तो आराम करना चाहिए। चलो फल मेरे कमरे में। ये सब कुछ क्या है मामा? ये ढोल गपाड़ा, ये ढोल ढमाका, ये राग रागनी। ये जो रागनी है ना वो तेरे ही राग से पैदा हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है तेरे ही दम से हो रहा है। मेरे दम से? हमको बनाते हो छुपे रुस्तम, सब कुछ जानते हो, हम ही से उलझते हो। मामा साफ साफ क्यों नहीं बताते आखिर बात क्या है? ऐसे नहीं, पहले मिठाई खाओ। नहीं पहले बात बताओ। अरे मुंह तो मीठा कर लो, तुम्हारे यहाँ खुशी होने वाली है। खुशी? कैसी खुशी? तुम्हारे घर बच्चा होने वाला है। बच्चा? मेरा बच्चा? हाँ हाँ तुम्हारा बच्चा। ये कैसे हो सकता है? मामा सच सच बताओ क्या आशा का बच्चा होने वाला है? अरे बच्चा नहीं होगा तो क्या सिलाई की मशीन पैदा होगी? किधर है वो आशा की बच्ची? वो तुमसे इस वक्त नहीं मिल सकती, अपनी सहेलियों में घिरी बैठी है। सुनते नहीं हो गाना बजाना हो रहा है? मुबारक हो तेरे घर में